ये जो है लेटर एवं ए फोर साइज 14 पर मिनट प्रिंट होता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इसको। यह है प्रिंटर का पावर केबल जो कि हम लोगों को लगेगा, और यह है प्रिंटर का यूएसबी केबल जो एक पोर्ट लगेगा सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर में, और एक पोर्ट लगेगा प्रिंटर का साइड में। इसको भी हम लोग देखते हैं, ये है खुले देखा है। और ये सब जो है ये प्रिंटर का मैनुअल है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और वारंटी कार्ड वगैरह है। ये है पेपर कवर ट्रे, हम कुछ देर बाद हम दिखाएंगे इसको कहाँ पे सेट करना। ठीक है, ये पेपर ट्रे है। ये है टोनर, ये है 1020 प्लस का टोनर है। ये जो 12A टोनर इसमें लगता है, इसको पहले काम करना पड़ेगा। ये जो है ये सील को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। हो गया, तो अभी ये हम लोग करेंगे। अभी ये हो गया और ये है मेन प्रिंटर। ये काफी खूबसूरत प्रिंटर है, काफी अच्छा भी है और काफी कंक्रीट भी है। चलिए इसमें यहाँ पे करते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रिंटर है ये 1020 प्लस। देखिए यहाँ पे जो पेपर है ये पेपर फीडिंग है। ठीक है, ये जो स्टिकर है ये हम लोग बता लेंगे। यहाँ पे दो एलईडी है, एक है आपका पावर एलईडी जाकि ये डिवाइस में पावर देने के संग संग ये एलईडी जल जाएगा, और एक है वार्निंग या नोटिफिकेशन डिवाइस, कोई भी एरर या कुछ भी होगा, पेपर जैम या जो भी कुछ होगा ये जो एलईडी है इंडिकेट करेगा। ये जो है जो पेपर प्रिंट आउट हो जाने के बाद यहाँ पे वो स्टोर होगा। और एक ट्रे भी है यहाँ पे, इसको सेकेंड ट्रे बोला जाता है। ये है हम लोग का 1020 प्लस प्रिंटर, और ये जो पोर्शन है इसमें टोनर सेट होगा, मीन्स कार्टिज। ये जो है टोनर 12A टोनर, इसको ऐसे सेट करते हैं, ऐसे एकदम हल्का करके इसको छोड़ देना होगा। बस छोड़ दे के थोड़ा सा प्रेशर कर देना होगा, बस ये फीड हो गया। फीड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जो पावर केबल है, ये जो पावर केबल है इसको हम लोग ओपन करके इस डिवाइस में यानी कि इस प्रिंटर में पावर देना होगा। ये जो है 230 से 240 वोल्ट। ये जो है पीछे यहाँ पे जो है ये पावर का ऑप्शन है, इसमें पावर देंगे। और एक पोर्ट है इधर है ये वाला, ये जो पोर्ट है ये पोर्ट होगा हम लोग का डेटा पोर्ट, मीन्स ये पोर्ट में एक पॉइंट लगेगा और एक पॉइंट लगेगा सिस्टम में। मैं अभी दिखा रहा हूँ कनेक्ट करके। ये जो डेटा केबल है प्रिंटर का डेटा केबल, इसका जो ये टाइप का केबल पॉइंट है ये लगेगा प्रिंटर की साइड में, और ये जो पोर्ट है ये एक पॉइंट उधर लग गया, और एक जो पोर्ट है वो लगेगा यूएसबी पोर्ट में कंप्यूटर में। मैं फिलहाल इसको लैपटॉप में ऑन कर रहा हूँ,
ये कर देने के बाद यहाँ पे जो प्रिंटर का पावर स्विच होता है, ये जो पावर स्विच है ये इसको ऑन करना पड़ता है। ऑन किए आप देखिए ये प्रिंटर चालू हो गया। ऑन करने के संग संग आप देखिए ये चालू हो गया और ये प्रिंटर का लाइट आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ पेपर लेंगे और इसमें टेस्ट पेज लेंगे, टेस्ट प्रिंट आउट लेंगे। ये जो पेपर फिट करते हैं ऐसे ऐसे बस सेट कर देना होगा। और जो मैं और एक मैं दिखाया था, ये जो है ये जस्ट कवर ट्रे है, ये जस्ट कवर ट्रे है, इसको कर देने के लिए मैं कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी प्रिंटर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो डाउनलोड किया हुआ है, ये ई ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंटर ड्राइवर के अंदर देखिए ये जो है मैं एचपी का साइट से ये प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड किया, प्रिंटर 1020+। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के संग संग आप देखिए एक सेटअप फाइल है, ये सेटअप फाइल ये exe फाइल को रन कराना पड़ता है, उसके बाद ही ये प्रिंटर इंस्टॉलेशन होगा। तो देखिए ये इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। ऑन किया हम लोग, प्रिंटर चालू हुआ और देखिए संग संग जब ऑन हो जाएगा ये तो ये आगे की तरह बढ़ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। देखिए ये प्रिंटर इंस्टॉलेशन हो गया, बस इसको सिर्फ क्लोज कर देंगे, क्लोज करके एग्जिट कर देंगे। अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे ये प्रिंटर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, हम लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल में, डिवाइस एंड प्रिंटर, हम लोग चूज करेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर। डिवाइस एंड प्रिंटर में इंस्टॉलेशन करने के बाद क्लिक करने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर में क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा प्रिंटर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उनमें से देखिए ये 1020+ ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको सेट एज डिफॉल्ट करेंगे ताकि आगे अगर मैं प्रिंट दूंगा तो इसी प्रिंटर से प्रिंट आउट होगा। तो मैं एक टेस्ट पेज दूंगा ये प्रिंटर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ चेक करने के लिए। क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग एक टेस्ट पेज देंगे, ये टेस्ट पेज दिया और देखिए ये प्रिंटर में प्रिंट आ गया। देखिए ये है टेस्ट पेज, आज ही प्रिंटर इंस्टॉल हुआ, ये HP LaserJet 1020+। थैंक यू।